पीलीभीत का बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसमें पीलीभीत बीसलपुर की सबसे बड़ी और अहम खबर। सहकारी चीनी मिल की हालत देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं ट्रैक्टर ट्रालियों की। जो आप लोग चीनी खाते हैं, आपको पता है चीनी कैसे बनती है, किसान लोग कितनी मेहनत से गन्ना लगाते हैं, फिर बाद में बेचने जाते हैं, फैक्ट्री में तुलवाने जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मगर कहते हैं किसान लोग यहाँ चार चार पांच पांच घंटे चीनी मिल बंद रहता है, मगर कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी, कोई नेता, कोई देखने नहीं आता है। ये चीनी मिल भ्रष्टाचार की कगार पर चढ़ गया है। पांच पांच घंटे होने के बावजूद इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अगर आप देखिए ठंड का मौसम है, इसमें सभी लोग मतलब जो ट्राली वाले होते हैं वो रात में ट्राली के नीचे लेटते हैं। अगर आपने कभी एहसास किया होगा तो फैक्ट्री के पास से गुजरिए और रात में देखिए कैसे ठंड से सुकड़ रहे होंगे। अगर क्या करूं, कभी कभी ऐसा होता है ठंड में लोगों की मौत भी हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन होगा, प्रशासन होगा, क्योंकि चार चार पांच पांच घंटे बंद हो रही है चीनी मिले, मगर तौलवाने वाला कोई नहीं, कोई अधिकारी, कोई नेता, इन लोगों की कोई पूछने नहीं आता है, ना कोई सुध लेने आता है। सिर्फ आएंगे तो लंबे लंबे वायदे किए जाएंगे। भ्रष्टाचार की कगार पर चढ़ रहा है, बंद होने की कगार पर है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। सहकारी चीनी मिल कर एक किसान लोगों ने बहुत परेशान, जब किसानों लोगों से मैंने पूछा तो कह रहे हैं चार चार पांच पांच घंटे बंद हो रहा है चीनी मिल, मगर कोई देखने नहीं आया। कौन लेगा इनकी सुध और कौन लेंगी इनकी सरकारी सुध?